गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में मंगलवार को पूर्वांचल रत्न सम्मान समारोह का आयोजन एक निजी मैरिज हॉल में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि पूर्वांचल के मनीषियों को सम्मानित करना गौरव की बात है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने समाज के सागर से जो मोती चुनकर लाया है, निश्चित रूप से वह विशिष्ट है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को नीर छीर करने में महारत हासिल होता है। दूरदृष्टि पक्का इरादा के साथ जब काम होता है तो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के पत्रकारों का नाम होता है। उन्होंने कहा कि जो काम समाज के अन्य लोगों को करना चाहिए वह कार्य पत्रकार कर रहे हैं, जो सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनंत मिश्र ने कहा कि विचार एवं साहित्य के जगत में प्रेस क्लब का कार्य सराहनीय है। पत्रकार एवं साहित्यकार एक ही डाली के दो फूल हैं। राम राज्य की परिकल्पना में साहित्यकार के साथ पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ला ने कहा कि विशिष्ट विधा में विशेषज्ञ को चुनना एक दुरूह कार्य है, जो कार्य पत्रकारों ने किया है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि लोकतंत्र के चार स्तंभ में पत्रकारिता का स्तंभ सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि है। इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, महामंत्री मनोज यादव सहित सभी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि मैंने अपने संबोधन में भी कहा, प्रेस क्लब को इसके लिए धन्यवाद दिया कि समाज के जिन लोगों को आगे बढ़ करके ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए उसको गोरखपुर का प्रेस क्लब कर रहा है। मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की एक परंपरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है कि ऐसे लोगों को चुन चुन करके जो समाज के बीच में बिना अपने लिए कुछ किए समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं, जैसे प्राकृतिक खेती के लिए कर रहे हैं, मिलेट्स पर कर रहे हैं, कोविड के समय में किए हैं, उनकी अपनी कोई वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो प्रेस क्लब ने यह कार्य किया है वो अद्भुत कार्य किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए और समाज के लोगों को हमेशा प्रेस क्लब से सीख लेनी चाहिए।